नमस्कार, मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नया वीडियो एक नए विषय के साथ। तो साथियों, आज का ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए है जो YouTube के क्षेत्र में नया करना चाहते हैं, जो अपना YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हैं, जो अपने YouTube चैनल पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो थैंक्स वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने अपने चैनल के जो फास्ट ग्रोइंग जो हुई उसको लेके मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर से, अपने सभी यूट्यूब के जो हमारे परिजन हैं उन सबको एक थैंक्स प्रेषित करने की कोशिश की थी और सबको धन्यवाद दिया था कि उनके सहयोग और मार्गदर्शन से मेरा ये चैनल अपेक्षाकृत ठीक ढंग से कार्य कर रहा है और ठीक ढंग से ग्रो भी कर रहा है। उस वीडियो के बाद कई सारे लोगों के मैसेज, कई सारे लोगों के कमेंट्स और कई सारे लोगों के द्वारा ये कहा गया कि और भी ऐसे हमारे साथी हैं जो YouTube चैनल के क्षेत्र में हैं, जिन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू कर दिया, काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत ना तो व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही उनका चैनल ग्रो कर रहा है। इसको लेकर एक वीडियो दिया जाए तो यही सोचकर कि मेरा जो अनुभव है, अभी तक जो काम किया है यूट्यूब पर, उस अनुभव को आप सबके साथ साझा करूं। हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आप सबके काम आ सकें और आपका भी चैनल ग्रो हो जाए। कई सारे यूट्यूबर्स के यूट्यूब पर इस तरीके के तमाम वीडियोज़ हैं जिनमें वो कोई ना कोई टेक्निक बताते हैं, जिनमें कई सारे इस तरीके के प्रोग्राम बताते हैं कि जिससे करने से चैनल ग्रो हो जाता है, व्यूज़ आने लगते हैं या सब्सक्राइबर आने लगते हैं। मेरा अपना अनुभव थोड़ा सा अलग है। मैंने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मुझे यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैंने भी कई सारे बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोज़ देखे, उसकी स्टडी की और आज भी देखता हूँ, क्योंकि सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमारे कई यूट्यूबर जो बड़े यूट्यूबर जिनको हम कहते हैं, जो सफल हैं आज, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, वो हमें प्रेरित करते हैं, हमें मार्गदर्शन भी देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बड़ी हड़बड़ाहट में या बड़ी जल्दबाजी में करना चाहते हैं और यही कारण हो सकता है कई बार कि हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें ऐसी साझा कर रहा हूँ आपके साथ कि जिन पर अगर अमल करें तो हमारा चैनल, आपका चैनल ग्रो भी करेगा, सब्सक्राइबर भी आएंगे और व्यूज़ भी आना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ बिंदु हैं, जैसे सबसे पहले जो हम YouTube अपना जो चैनल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो उस YouTube चैनल को बनाने की प्रक्रिया और उसमें जो सेटिंग्स हैं, खासकर बनाना तो ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल आपको एक ईमेल चाहिए और उसके जरिए आप एक क्रिएट YouTube चैनल कर सकते हैं। और जब हम अपने YouTube क्रिएटर स्टूडियो में जाते हैं, वहाँ पर जो सेटिंग्स हैं, जो चैनल की सेटिंग्स हैं, वो सारी सेटिंग्स हमें ऑन करना रहती हैं। हमें अपनी भाषा चुननी रहती है, हमें अपनी कैटेगरी चुननी रहती है, हमें अपनी कंट्री चुननी रहती है, जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स, जिस लाइन का हम वीडियो अपलोड करते हैं वो सारे कीवर्ड्स हमें अपने कीवर्ड बॉक्स में इंस्टॉल करने रहते हैं, डालने रहते हैं, लिखने रहते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जब हम YouTube चैनल बना लिया, सारी सेटिंग्स कर ली, उसके बाद जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उस पर ना तो व्यू आ रहा ना सब्सक्राइबर आ रहा। तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि किस समय पर वीडियो अपलोड किया जाए, टाइमिंग बहुत मायने रखती है। किस समय पर आप वीडियो अपलोड करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका चैनल ग्रो करेगा अथवा नहीं करेगा ये भी डिपेंड कर जाता है। वीडियो सभी लोग बना लेते हैं, किसी भी कैटेगरी में हो आप, चाहे कॉमेडी कैटेगरी में हो, एजुकेशन में हैं, पीपल्स एंड ब्लॉग्स में हैं, टेक में हैं, किचन में हैं, जिसमें भी जो भी कैटेगरी आपकी हो उस कैटेगरी में आप वीडियो बनाएंगे, एडिट करेंगे, अच्छे से वीडियो बनाते हैं। लेकिन टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दो बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहला बिंदु ये है कि आपके चैनल की कैटेगरी कौन सी है। जिस चैनल की आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो आपके यूट्यूब चैनल पर जो आप वीडियो डालते हैं उनको जो देखते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो किस एज ग्रुप के हैं, वो
किस क्षेत्र के हैं और उनकी टाइमिंग्स क्या हो सकती हैं। जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पर अगर आप एजुकेशन कैटेगरी में कोई चैनल क्रिएट किए हुए हैं और एजुकेशनल वीडियो आप डालते हैं, तो जाहिर सी बात है जो एजुकेटेड हैं, जो एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं और भी कई लोग जो एजुकेशन गेन करना चाहते हैं वो लोग हो सकते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ाई या पढ़ने के काम में व्यस्तता रहती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग सुबह कहीं ना कहीं अपने ऑफिस, अपने कॉलेज या अपने संस्थान जाने के लिए तैयारी करते हैं, इसलिए मॉर्निंग का समय वो यूट्यूब चैनल पर उपस्थित नहीं हो सकते, अपना यूट्यूब चैनल नहीं देखते। दिन का समय भी उनका ऐसा होता है कि जब वो व्यस्त रहते हैं। तो इस कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनके लिए शाम का वक्त ऐसा होता है कि जब वो स्टडी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन ले सकते हैं। तो एजुकेशन चैनल जितने भी हैं उनके ज़्यादातर वीडियो जो हैं वो इवनिंग में 7 to 9 अपलोड होते हैं, और अगर इस समय में अपलोड होते हैं तो वो ग्रो भी करते हैं और उन पर व्यूज़ भी आते हैं और सब्सक्राइबर भी आते हैं। इसी तरीके से अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो दोपहर से लेकर रात तक का समय होता है, उस पर वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप YT स्टूडियो के ग्राफ को देखकर ये तय नहीं कर सकते कि आपके सब्सक्राइबर कब आएंगे, आपका कंटेंट्स कैसा है, आपकी कैटेगरी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि आप जिस कैटेगरी का चैनल बनाए हुए हो, जिस कैटेगरी के आप वीडियो बनाते हैं, उस कैटेगरी को देखने वाले दर्शक या उस कैटेगरी को देखने वाले सब्सक्राइबर किस समय पर फ्री होते हैं, वो टाइमिंग आपको सर्च करनी है। वो आपको अनुभव से आएगी, वो आपको सीखने से आएगी, वो आपको थोड़ा सा विचार करने से भी आ जाएगी। आप अपने वीडियो को, अपने कंटेंट्स को देखकर ये तय कर सकते हैं कि आप जो वीडियो डाल रहे हैं इसको देखने वाले लोग किस समय उनके वीडियो देख सकते हैं, किस समय वो चैनल पर आ सकते हैं, उस समय पर आप वीडियो अपलोड करिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप जब भी वीडियो अपलोड करें, जब भी वीडियो बनाएं, तो ये ज़रूर देखें कि आपका कंटेंट्स क्या है। आप जिस कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं, जिस कैटेगरी का आपका चैनल है, उसमें कोई बदलाव ना हो, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपके चैनल पर जो आपसे जुड़े हैं, जो आपके यूट्यूब चैनल के परिवार का हिस्सा बने हैं, वो आपके कंटेंट्स को देखकर आपके साथ जुड़े हैं। इसलिए आपका कंटेंट्स वही होना चाहिए जिस तरीके के आपके सब्सक्राइबर हैं। जो आपने शुरुआती वीडियो डाले, जिस कैटेगरी में आपने स्टार्ट किया है चैनल, अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं उसी क्षेत्र में, वही कंटेंट्स को आप अगर रखते हैं, उसी कंटेंट्स में आप नए नए वीडियो अगर बनाते हैं, उसी कंटेंट्स को लेकर बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके जो जिस तरीके के जो आपके दर्शक हैं वो लगातार आपके कंटेंट्स को देखेंगे। अगर आप बार बार उसमें बदलाव करते हैं, बार बार परिवर्तन करते हैं, तो आपके सब्सक्राइबर ये समझ ही नहीं सकते कि आप किस कैटेगरी का चैनल बनाए हुए हो, और हो सकता है कि वो जुड़ें और उसके बाद हट भी सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जिसको करने के बाद सारी चीज़ें ख़त्म, सारी समस्याएं ख़त्म, सबसे ज़्यादा एक न्यू चैनल क्रिएटर के लिए अहम होता है कि उस पर सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर की संख्या बढ़े, व्यूज की संख्या बढ़े, जिससे उसका चैनल ग्रो हो। तो हर काम में, हर क्षेत्र में जो सिद्धांत लागू होता है, वही सिद्धांत हमारे यूट्यूब के क्षेत्र में भी लागू होता है, वो है धैर्य और कंटिन्यूटी, धैर्य और निरंतरता। आपको धैर्य के साथ अच्छा कंटेंट का वीडियो बनाना है, टाइमिंग का ख्याल करते हुए उसे अपलोड करना है, जिस समय आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा समय उपलब्ध हो सकते हैं, ये आप अपने अनुभव से, अपने विचार से करके उस समय वीडियो अपलोड करें, कंटेंट्स आपका अच्छा हो। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप धैर्य बनाए रखें, धैर्य के साथ जो टाइमिंग आपने चुनी है लगातार उसी टाइमिंग पर कंटिन्यूटी के साथ में, निरंतरता के साथ में आप वीडियो अपलोड करते जाएँ। प्रतिदिन आप वीडियो अपलोड करें और उसी समय पर अपलोड करें जो आपने निश्चित किया हुआ है। धीरे 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 धैर्य रखते रखते आप देखेंगे कि एक दिन आपके चैनल पर सब्सक्राइब की संख्या बढ़ने लगेगी, आपके चैनल पर व्यूज़ भी आना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर हम यही गलती करते हैं कि आज हमने कोई वीडियो मॉर्निंग में अपलोड कर दिया, कभी दोपहर में कर दिया, तो कभी रात में कर दिया, कभी हमने आज वीडियो अपलोड कर दिया, अब इसके बाद 10 दिन तक कोई वीडियो ही अपलोड नहीं कर,
ऐसा करने से आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो आपके चैनल पर आना धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इसलिए आपको कंटिन्यूस वर्क करना है, धैर्य के साथ करना है। एक दिन में किसी का भी चैनल ग्रो नहीं होता, एक दिन में किसी को भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें धैर्य रखना होगा, हमें अपने कंटेंट से हटना नहीं। जो हमारे कंटेंट्स हैं उनमें हम प्रयोग कर सकते हैं, एक नए चैनल के लिए, एक नए यूट्यूबर के लिए हो सकता है कि वो जिस कैटेगरी में चैनल स्टार्ट करता है, अगर उसमें उसे कंटेंट्स नहीं मिल रहे हैं या उसे लगता है कि उसे बीच में कुछ प्रयोग करना चाहिए, तो एक दो अलग वीडियो डालकर वो देख ले, अगर उस पर उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो फिर उस कैटेगरी को वो चेंज करके उस कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है। लेकिन जिस कैटेगरी में भी आप एक बार स्थापित हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, तो फिर उसी कैटेगरी को आप कंटिन्यू करिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बात मैं आप सबसे साझा कर रहा था कि हमें ध्यान देना है, सबसे पहले टाइमिंग, जिस समय आपके सब्सक्राइबर फ्री रहते हैं, ये हमें बहुत विचार करना है, उसी समय पे हमें वीडियो अपलोड करना है, तभी उस पर व्यू आने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी, सब्सक्राइबर आने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी, नंबर वन। नंबर टू, हमारे जो कंटेंट्स है वो हमारी कैटेगरी को बिलोंग करता हो। हर बार कुछ यूनिक कंटेंट होना चाहिए, हर बार कुछ नयापन होना चाहिए हमारे कंटेंट्स में, जिससे लोगों को देखने की चाह बढ़े, नंबर टू। नंबर तीसरी चीज़ जो है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमें धैर्य बनाए रखने के साथ साथ कंटिन्यूस काम करना है, निरंतरता के साथ वीडियो अपलोड करते जाना है, एक ही टाइमिंग में एक नए नए कंटेंट्स के साथ उसी समय पर हमें लगातार वीडियो अपलोड करना है, प्रतिदिन अपलोड करना है। और ऐसा जब आप कुछ दिन तक लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि एक दिन आपके भी वीडियो वायरल होने लगेंगे, उन पर भर भर कर व्यू भी आने लगेंगे और आपकी जो समस्या व्यूज़ की है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो यही सब विचार, यही सब जानकारी बड़े बड़े यूट्यूबर्स देते हैं, हम उनसे भी सीखते हैं, उनसे भी सीखना भी चाहिए। जो मेरा अनुभव है वो मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ध्यान से, ये चार बिंदु हैं, टाइमिंग का, कंटेंट्स का यानी कैटेगरी के साथ बिलोंग करने का, और तीसरा धैर्य के साथ काम करने का, धैर्य बनाए रखने का, और चौथा निरंतरता, कंटिन्यूटी। ये चार चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी व्यूज़ और सब्सक्राइबर की समस्या तो ख़त्म हो ही जाएगी, आपका चैनल देखते देखते ग्रो हो जाएगा। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो, एक नए विचार के साथ। तब तक इस वीडियो से अगर आपको कुछ लाभ पहुँच सकता है, कुछ फ़ायदा पहुँच सकता है, तो आप सबको इसका फ़ायदा लीजिए। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत कीजिए, निरंतरता के साथ कीजिए, और सकारात्मक विचार, सकारात्मक वीडियो, सकारात्मक कंटेंट्स समाज में प्रेषित कीजिए YouTube के माध्यम से। ऐसी शुभकामनाएं, फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको सादर नमस्कार। जय श्री सीताराम।